अब गाइस आपने बहुत से वो वीडियोस तो जरूर देखी होंगी जिसमें एमसीयू के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज के बारे में बात की गई हो, और फिलहाल मैंने इसी सेम टॉपिक की दो वीडियोस भी बनाई हैं जिसमें मैंने एमसीयू के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज के बारे में बात की है। बट आज हम उसके टोटल अपोजिट कुछ एमसीयू के ऐसे करेक्टर की बात करने वाले हैं जो कि एमसीयू में टोटली यूजलेस रहे, यानी कि अगर वो एमसीयू का पार्ट नहीं होते तब भी इतना फर्क नहीं पड़ता। अब इस वीडियो में फैन फेवरेट गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवीज के करेक्टर की भी बात की गई है, बट इसका ये मीन नहीं है कि मैं इन सभी कैरेक्टर्स को लेकर कोई हेट फैला रहा हूँ। एक अच्छा यूनिवर्स यूजलेस, यूजफुल और पावरफुल कैरेक्टर से ही बनता है। सो सबकी अपनी अपनी जगह है, अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, इसलिए ऑफेंड होने की कोई भी नीड नहीं है। सो अब एमसीयू के फर्स्ट यूजलेस कैरेक्टर की बात करते हैं जो फिलहाल आयरन मैन 1 में ही अपेयर हुआ है, और वो कैरेक्टर है रजा का। अब रजा के केस में आप एक टेररिस्ट ग्रुप के लीडर हो और आपके पास 100 से ज्यादा टेररिस्ट हैं, फिर भी कोई एक इंसान अकेली आपकी बैंड बजा के चला जाता है तो ऐसे लीडर होने का क्या फायदा। हालांकि वो इंसान टोनी स्टार्क था, फिर भी बाद में रजा के कैरेक्टर को वीक ही दिखाया गया है जब ओविडिया स्टेन उसको कंट्रोल कर रहा होता है। इसके बाद इस लिस्ट में एक और आयरन मैन का विलन आता है जो कि है जस्टिन हैमर। कॉमिक से लेकर एनिमेशन तक जस्टिन हैमर को मार्वल यूनिवर्स में एक सातिर मैच्योर एक बिजनेस टाइकून दिखाया गया है जो टोनी स्टार्क और उसकी कंपनी को रिप्लेस करना चाहता है। फिलहाल एमसीयू में जस्टिन हैमर का सबसे डम वर्जन दिखाया गया है जिसको देखकर ऐसा लगता है कि इतने डम पर्सन के हाथ में इतनी बिलियन डॉलर्स की कंपनी कैसे आ गई। अब जैसे जैसे हम इस लिस्ट में आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे उन कैरेक्टर्स के भी नाम आते जा रहे हैं जो वाकई में एमसीयू में डंब और यूजलेस थे, जिसमें हम न्यू एडिशन है डार्सी लुइस का। अब आप सभी ने वो कहावत तो सुनी होगी संगत का असर, पर एमसीयू में डार्सी लुइस के केस में ऐसा नहीं है। डार्सी का कैरेक्टर एमसीयू के दो सबसे बड़े साइंटिस्ट एरिक सेल्विक और जेन फोस्टर के साथ उठना बैठना है, तब भी उसके कैरेक्टर को एमसीयू के मोस्ट डम वे में दिखाया गया है जो हालांकि थॉर 1 और थॉर 2 में उसके अपीयरेंस को यूजलेस बनाता है। पर यह भी कहना सही होगा कि मूवी में उसका कैरेक्टर ही ग्लैमर और थोड़ा लाफ्टर लेकर जरूर आता है, पर आयरन मैन 3 में दिखाया गया माया हैंसन का कैरेक्टर तो मूवी की स्टोरी में कुछ भी ऐड नहीं करता, और इसका डेथ सीन तो वाकई में इस कैरेक्टर की यूजलेसनेस को शो करता है। आयरन मैन 3 के एक सीन में माया टोनी को बचाने के लिए अपनी लाइफ लेने की धमकी देती है, ये सोचकर कि एल्ड्रिज उसकी इम्पोर्टेंस समझकर टोनी को नहीं मारेगा, पर एल्ड्रिज करता क्या है, उसको ही मार देता है, बट जिसको मारने आया होता है यानी कि टोनी को, उसको छोड़ देता है। और यही नहीं, ना तो टोनी को उसकी डेथ का अफसोस होते हुए दिखाया गया है। इसे कहते हैं अपनी डेथ के टाइम पर अपना ही पोपट होना। अब गाइस फाइनली बात करते हैं गार्डियंस के कैरेक्टर की जो सबके फैन फेवरेट तो हैं, पर कुछ गार्डियंस के कैरेक्टर अपनी यूजलेसनेस का प्रमाण टाइम टाइम पर देते रहते हैं। सो यहाँ तो ड्रैक्स की बात करना तो बेकार ही है। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो अकेले ही रोनन और थैनोस जैसे विलन से भिड़ने जा सकता है। फिलहाल यहाँ हम स्पेशली बात करेंगे भाई बहन की जोड़ी मैंटिस और स्टार लॉर्ड की। मैंटिस कितनी डम कैरेक्टर है उसका प्रमाण तो वो अपनी फर्स्ट अपीयरेंस में दे चुकी थी, बट आप ये बताओ कि थैनोस जो सबसे पावरफुल विंग कैरेक्टर है उसकी खोपड़ी पर बैठकर दूसरों को उंगली करना कहां से अकलमंदी का काम है। यही नहीं, यहां पर पीटर को यह कहा जाए स्टार लॉर्ड भी कम नहीं है। वैसे इसमें कोई शक नहीं है कि स्टार लॉर्ड ने दो बार गैलेक्सी को बचाने के लिए हेल्प करी है, पर आखिर क्यों अपनी जीएफ के लिए अच्छे खासे प्लान को खराब करना, क्यों किसी सोते हुए एलियन को जो कि सबसे पावरफुल विंग है उसको उंगली करना स्टार लॉर्ड की अकलमंदी को दिखाता है। वैसे ये वही सीन है जिसके बाद आज भी सभी आयरन मैन फैन यही सोचते हैं कि आयरन मैन के डेथ का मेन रीजन तो स्टार लॉर्ड ही है, क्योंकि ना तो स्टार लॉर्ड अपने ससुर पर हाथ उठाता और फिर ना उसका ससुर जागता और ना वो स्नैप करता और ना ही एंड गेम का कोई इवेंट होता और टोनी आज भी एमसीयू में जिंदा होता। क्या से क्या हो सकता था अगर स्टार लॉर्ड ऐसा नहीं करता। फिलहाल इसके अलावा भी कुछ और कैरेक्टर हैं जो अपने आप को यूजलेस सुपर हीरो की लिस्ट में रखते रहते हैं, जैसे कि करीना जिसने पावर स्टोन को टच करने की हिम्मत दिखाई, देन बॉन स्टार्कर जो पता नहीं क्या सोचकर सबके सब एवेंजर्स को गोली से मारने को कहता है। अब उसे शायद ये नहीं पता कि एवेंजर्स में थॉर और हल्क ऐसे कैरेक्टर हैं जिनकी बॉडी बुलेट प्रूफ है। क्या हम उन्हें रोक सकते हैं? वो एवेंजर्स हैं। सारे टैंक तैनात कर दो, जो पहले नजर आए उसे उड़ा दो। निकल, पहली फुर्सत में निकल। देन नेक्स्ट कैरेक्टर है पेंड्राल का, जिसे थॉर द डार्क वर्ल्ड और रैग्नारोक में डीसी के सेजम एक्टर जैकरी लेवाई ने प्ले करा था। फिलहाल थॉर द डार्क वर्ल्ड में तो पेंड्राल के कुछ अच्छे कैरेक्टर मोमेंट थे, पर थॉर रैग्नारोक में तो उसके कैरेक्टर को सिर्फ एक सीन के लिए रिटर्न लाया गया था, जो वाकई में थोड़ा फनी था कि इतने अच्छे कैरेक्टर को इस मूवी में यूजलेस दिखाया गया है। कौन हो तुम? थॉर कहां है? पर सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग तो एमसीयू में ग्रैंड मास्टर का कैरेक्टर है,
जिसको लेकर थॉर रैग्नारोक में ये क्लियर नहीं किया गया कि आखिर वो कैसे अकेले ही इन सभी लोगों को कंट्रोल कर रहा है और क्यों सभी लोग उसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं। तो गाइस इस तरह से ये थे एमसीयू के कुछ यूजलेस और डम कैरेक्टर की लिस्ट, जिसमें कुछ आपके फेवरेट फैन कैरेक्टर भी हो सकते हैं, पर मैं इन सभी कैरेक्टर से रिलेटेड कोई भी हेट नहीं फैला रहा हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी एंटरटेनिंग लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूरी सब्सक्राइब करें। तो गाइस मैं अंकित मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।